बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फिज़ाने हदीस फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जिसने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की, फिर वह सूरज तुलू होने तक बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा, फिर इसने 2 रकात नमाज पढ़ी, तो इसे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। फिज़ाने हदीस फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जिसे ये बात पसंद हो के अल्लाह ताला सख्तियों और मसाइब में इसकी दुआ कबूल फरमाए, तो इसे चाहिए कि वो राहत और आसाइश के दिनों में अल्लाह ताला से बकसरत दुआ करे। फिज़ाने हदीस फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जिसने चाश्त की नमाज की 12 रकातें पढ़ी, इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में सोने का महल बना देगा। फिज़ाने हदीस फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, तुम अपनी आँखों को इबादत में से इनका हिस्सा दिया करो। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, इबादत में से आँखों का हिस्सा क्या है? इरशाद फरमाया, देखकर कुरान पाक की तिलावत करना, इसकी आयात और मुआनी में गौर व फिक्र करना, और इसमें से जिक्र किए गए अजाइबात पढ़ते वक्त नसीहत हासिल करना।